सीहोर पुलिस के हाथे चढ़ा नकली टीआई। नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से कर रहा था वसूली। सीहोर कोतवाली पुलिस ने नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से अड़ीबाजी कर वसूली करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्त में लिया। ऑटो वालों से अपने आप को टीआई बताकर कर रहा था वसूली। ऑटो वालों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। युवक पहले भी कई लोगों के साथ कर चुका है अड़ीबाजी। आरोपी के नाम मनोज मेवाड़ा निवासी राजू खेड़ी बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने किया विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। सर, अभी नकली टीआई का एक मामला सामने आया है जिसमें कुछ वसूली कर रहा था आपको, सर क्या पूरा मामला? एक फरियादी है राशिद खान करके, जो सीहोर बस स्टैंड पर रहते हैं, ऑटो चलाने का काम करते हैं। एक सवारी को, एक युवक को बिठा के ले गए थे सेकड़ाखेड़ी जोर। वहाँ उस युवक ने बोला कि मुझे थोड़े और आगे भोपाल रोड पे छोड़ दें। जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उसने अपना किराए का पैसा मांगा। उसने किराए के पैसे देने की जगह और उसके साथ मारपीट करके अड़ीबाजी करने लगा और उससे और पैसे मांगने लगा। तभी उसका दूसरा साथी भी पीछे ऑटो से आ गया और उसने और अन्य साथी को बुला के उसको तत्काल मौके पर पकड़ा है, थाने लेके आए थे। आरोपी का नाम मनोज मेवाड़ा है, जो ग्राम राजू खेड़ी का रहने वाला है, मंडी थाना क्षेत्र का, जिसके विरुद्ध धारा 294, 323 मारपीट एवं अड़ीबाजी 327 का अपराध पंजीबद्ध किया है। अमूमन ये आरोपी के संबंध में कई ऑटो चालकों ने शिकायत की है आज आके। ये पूर्व में भी इनके साथ ऐसी हरकत करेगा और अपने आप को टीआई की उपाधि देता है कि मैं फला जगह का टीआई हूँ। इस कारण से ऑटो ड्राइवर वगैरह डर जाते हैं और उसके मांगे हुए पैसे अनुसार उसको दे देते हैं।